यमुनानगर पुलिस नशे पर काबू पाने के लिए लगातार एक्शन मोड में है। वहीं पुलिस की आंखों में धूल झोंककर स्मैक तस्करी करने वाली यमुनानगर की स्मैक लेडी मीनाक्षी को एंटी नारकोटिक सेल टीम ने 10 ग्राम स्मैक के साथ काबू किया है। टीम इंचार्ज ने बताया कि उन्हें काफी समय से सूचना मिल रही थी कि मीनाक्षी बाड़ी माजरा इलाके में स्मैक तस्करी का काम कर रही है। वहीं उन्हें सूचना मिली कि वह बाड़ी माजरा की तरफ स्मैक लेकर आएगी, तभी पुलिस ने वहां नाकाबंदी की और जैसे ही मीनाक्षी आती दिखाई दी तो उसे काबू किया गया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक मीनाक्षी का पति भी स्मैक तस्कर है, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। हमारी टीम को एक मुखबरी मिली थी कि मीनाक्षी जो काफी समय से गिरफ्तार बाड़ी माजरा में स्मैक बेचने का धंधा करती है, आज वो 10 ग्राम स्मैक लेकर आएगी। जिस मुखबरी पर एक टीम गठित करके हमारी टीम ने उसको काबू किया और उससे 10 ग्राम स्मैक बरामद की गई। इसका पति काफ़ी समय से ये स्मैक का धंधा कर रहा है, जो इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और अब ये भी काफ़ी समय से इस काम में संलिप्त थी, इसलिए इसको गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी पुलिस एक महिला स्मैक तस्कर को यमुनानगर से गिरफ्तार कर चुकी है। महिलाओं पर किसी को शक ना हो, इसी का फायदा उठाकर स्मैक तस्कर अब महिलाओं को इस धंधे को अंजाम दिलवाने में लगे हुए हैं। फिलहाल देखना होगा आगे स्मैक लेडी के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।